नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर। क्यों गिर रहे हैं सीडीएसएल के स्टॉक? क्योंकि सीडीएसएल ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे तो एक बहुत सीवियर, एक बहुत बड़ी गिरावट दिखा चुके हैं। आज भी इसने गिरावट दिखाई थी, लेकिन निचले स्तरों से एक बाउंस इसमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। लेकिन फिर भी आप देखो दिखाऊंगा कि कैसी ये गिरावट आने वाले समय शायद और सीवियर हो सकती है, और कौन से वो लेवल्स है जहां मुझे लगता है कि सीडीएसएल एक अच्छे खरीदारी का मौका दे सकता है। क्योंकि देखिए, लॉन्ग टर्म में या आप ड्यूओपोली देखेंगे तो स्टॉक की बहुत ज़बरदस्त है, और सीडीएसएल में ऐसा कुछ है नहीं बिजनेस मॉडल जहां एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। एक एसेट लाइट मॉडल है, लॉन्ग टर्म में अच्छा काम करेगा, ड्यूओपोली है दोस्तों। और सीडीएसएल की जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसमें आप कह सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत अच्छे कैश इनके पास हैं। तो बात चर्चा करेंगे, भाई खरीदारी तो करनी, लेकिन इतनी भयंकर गिरावट हो क्यों रही है जब चीज़ें इतनी अच्छी हैं, इतना एसेट लाइट मॉडल अच्छा है। तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, पहली बार अगर इस चैनल में आए हैं सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करके और साथ शेयर जरूर कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 4.68% की गिरावट है, कितना 4.68% की, ठीक है। लगभग 3:20 हुए तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। ये गिरावट है, और देखिए चर्चा करें अगर पिछले एक महीने की, तो आप देखिए ऊपरी स्तरों से इसमें लगभग आप देखिए 24% ज़्यादा गिरावट दिखाई है। एक साल में अगर आप देखेंगे, पिछले एक साल में अगर आप देखें, तो ये देखिए ये एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था इसका। आप देखिए ये यहीं पर, ये देखिए ये इसी रूट में चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये टूटता है दोस्तों, ये लगातार एक निचले स्तरों में जाने लगता है। और देखिए ऊपरी स्तरों से क्या था, 1700 के आसपास के स्टॉक था, गिरते गिरते 34-35% गिर चुका है। देखिए आप समझिए चीज़ को, प्रॉब्लम अब क्या हो रही है कि जो भी पॉजिटिविटी थी ना दोस्तों, वो सारी इसके शेयर प्राइस में कैश इन हो चुकी है, ठीक है। सभी चीज़ें कैश इन हो चुकी हैं, और इतनी ज़्यादा कैश इन हो गई थी कि बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हैं प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा था, ठीक है। और लगातार नए नए डीमैट अकाउंट खोल रहे थे, क्योंकि बाजार में एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि भाई एक गजब ही करेगा बुल रन चल रहा था, तो हर कोई बहती गंगा में हाथ धोना चाह रहा था। नए नए इन्वेस्टर 20-25 ईयर्स रेंज के, 28 के रेंज के लगातार नए नए इक्विटी अकाउंट खुला रहे थे, और गजब की ट्रेडिंग चल रही थी। और लेकिन अब, और उसी को देखते हुए सीडीएसएल स्टॉक बहुत ज़बरदस्त रन अप दिखाया। अब क्या हो रहा है, अब हो ही रहा है दोस्तों कि जो ट्रेडिंग है वो ज़्यादा हो नहीं रही है, लोग अब अपने पैसे बचा करके कैश में रखे हुए हैं। प्लस जो कह लीजिए, जो एक लोगों को लगता था कि एक एटीएम मशीन है ये स्टॉक मार्केट, बहुत कहना चाहिए इजी मनी, ठीक है, जो इजी मनी थी बाजार से, वो अचानक से गायब होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। इजी मनी पूरे के पूरे बाजार से गायब होती हुई दिखाई दे रही है। इस कारण जो नए ट्रेडिंग अकाउंट है वो नहीं खुल रहे, जो ऑलरेडी ओपन अकाउंट है उसमें उस प्रकार या उतना एग्रेसिव ट्रेडिंग होती हुई नहीं दिखेगी जो हमें दिख रही थी। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था दोस्तों, सबसे बड़ा इसका विजिबिलिटी इस बात से कहां से दिख रही है, तो आप देखिए जितनी भी एएमसी के रिजल्ट आए हैं दोस्तों, चाहे वो निपोन इंडिया, चाहे वो माफ कीजिए एचडीएफसी एएमसी हो, बिरला लाइफ हो, सबके रिजल्ट उतने अच्छे या मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा गिरावट दर्शा रहे हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के हों, ठीक है। और देखिए इसका एक रीज़न आपको मैं दिखाता हूँ, इसका रिपरकशन, ये न्यूज़ देखिए, इक्विटी फंड इनफ्लो स्लो डाउन एज इन्वेस्टर टर्न कॉशियस, ठीक है। मैनी इन्वेस्टर प्रेफर द सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान रूट, पर्टिकुलरली व्हेन इट्स कम टू इक्विटी फंड। एसआईपी कंट्रीब्यूशन फॉर अप्रैल 2022 केम डाउन मार्जिनली टू 11,863 करोड़ अगेंस्ट 12,327 करोड़ इन मार्च, यानी जहां मार्च में लोग 12,327 करोड़ रुपए डाले थे, वो अब अप्रैल में घटते हुए दोस्तों हो गए हैं कितने, 11,863। यानी कि देखिए यही कारण है कि लोग अब इक्विटी मार्केट से ना थोड़े से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी जब मार्केट बुल में था, जब कोई लगातार लोग डीमैट अकाउंट खुला रहे थे, कौन था, तो था भाई सीडीएसएल, ठीक है, सीडीएसएल था। अब जब ये सब चीजें हो रही हैं तो डायरेक्ट इसका नेगेटिव इंपैक्ट किसमें पड़ेगा, सीडीएसएल। लेकिन देखिए अब स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है, स्टॉक में गिरावट आ चुकी है। सीडीएसएल पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो ₹900 से लेकर के 930 है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है इसमें निवेश का। क्योंकि देखिए करेंटली मेरी कोई भी
पर्सनल होल्डिंग कतई नहीं है किसमें दोस्तों, सीडीएसएल में, इसीलिए क्योंकि मुझे इसकी वैल्यूएशन अभी भी करेंटली बहुत ज़्यादा हाई लगती है, बहुत ऊपरी स्तरों पे लगता है मुझे ये ट्रेड हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़े रिस्क ले सकते हैं क्योंकि 100-200-300 रुपए की गिरावट देख सकते हैं तो आप करेक्ट इसमें निवेश करने की सोच सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनली आप मेरी राय देखेंगे तो मुझे उतना ज़्यादा ये स्टॉक अट्रैक्टिव नहीं लगता दोस्तों, ठीक है, उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव ये स्टॉक नहीं लगता मुझे। हाँ, सीडीएसएल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा, 900-950 के बीच में जाए, इट्स वेरी गुड। लेकिन देखिए अभी भी बाजार वीक है, सेंटीमेंट वीक है और इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, लगातार एफआईआईस माल निकाल रहे हैं, बाजार में दबाव की मात्रा, जो दबाव है, जो प्रेशर, वो लगातार बन सकता है। तो मैं यही कहूंगा स्टैगर्ड वे में खरीदारी करें। सीडीएसएल के स्टॉक की गिरावट में कोई ऐसा कोई चेंज नहीं है कि भाई कुछ मैनेजमेंट की तरफ से खराबी हो, नहीं भाई। बुल रन क्यों आया था? क्योंकि बाजार सीडीएसएल के शेयर स्टॉक में, क्योंकि बाजार में बुल रन था, लिक्विडिटी भर भर के बाजारों में थी, हर कोई लगातार निवेश कर रहा था, ट्रेड कर रहा था, नए नए अकाउंट्स लगातार खोल रहे थे। लेकिन अब उस अकाउंट्स की तेजी शायद कम होते दिखाई दे आपको। तो फ्यूचर को लेकर के मैं कोई बहुत ज़्यादा घबराहट में नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर चीज़ है कि जिस तरह का रनअप आपने देखा था, प्लीज़ वो उम्मीद अभी मत कीजिएगा शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर आपका 2-3 साल का नजरिया है और अगर आप सीडीएसएल में आराम आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म, सीडीएसएल बहुत ही शानदार स्टॉक है दोस्तों। तो यदि पूरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।